अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड उर्दू। आज हम बात करेंगे एक अहम और ज़रूरी सिफ्त के बारे में, और वो सिफ्त है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक वो सिफ्त है जो हमें समझने और दूसरों के साथ सुलह और मामलात में शामिल रहने के लिए मददगार होती है। ये एक तरह की महारत है जो हमारी कम्युनिकेशन और रिलेशंस को बेहतर बनाती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए इसे समझते हैं। वो हमेशा डिप्लोमेटिक होते हैं अपनी बात करने में। इसका मतलब ये होता है कि कोई शख्स अपनी बातों को इतनी समझदारी और एहतियात से पेश करता है कि दूसरे शख्स को कोई तकलीफ ना हो। ही इज़ ऑलवेज डिप्लोमेटिक इन प्रेजेंटिंग हिज आर्ग्यूमेंट्स। इसके अलावा जब मसले हल करने की ज़रूरत थी, उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से मसले को सुलझाया। इसका मतलब ये होता है कि कोई शख्स समझदारी से मसले का हल ढूंढता है। When there was a need to resolve the issue, they diplomatically resolved the matter. एक और मिसाल देखते हैं। उनकी डिप्लोमेटिक अप्रोच ने उन्हें दुश्मनों से दोस्त बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई शख्स अपनी समझदारी और एहतियात से दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेता है। Their diplomatic approach turned their enemies into friends. डिप्लोमेटिक होना एक महारत है जो हमें समझ और सुलह की राह दिखाता है। इस सिफ्त को इस्तेमाल करके हम अच्छे और बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।